19 मई को शनि जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हुआ था। ज्योतिष शास्त्र, धर्म, कर्म और अनुष्ठानों में शनिदेव का विशेष महत्व होता है। सभी ग्रहों में शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता माना गया है। यह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस बार शनि जयंती पर बहुत ही दुर्बल योग बन रहा है। शनि जयंती के दिन शुश योग, शोभन योग और गज केसरी योग का संयोग है। शनि जयंती पर भगवान शनि की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। यह किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया बहुत ही कष्टकारी होती है। ऐसे में शनि जयंती के मौके पर शनिदेव की पूजा करने पर कुंडली में मौजूद शनि दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं साल 2023 में किन किन राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव रहेगा। साल 2023 में इन राशियों पर है साढ़े साती और ढैया। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह एक से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लगाते हैं। शनि की धीमी चाल से इसका असर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही रहता है, जो जातक के ऊपर काफी समय तक पड़ता है। शनि की साढ़े साती और ढैया लगने पर व्यक्ति के जीवन में हर तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि शनि इस वर्ष 17 जनवरी को अपनी मकर राशि की यात्रा को विराम देते हुए अपनी दूसरी स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। शनि के राशि परिवर्तन करने पर कुछ राशियों के ऊपर साढ़े साती चढ़ जाती है, जबकि कुछ राशियों के ऊपर साढ़े साती खत्म हो जाती है। मौजूदा समय में शनि स्वयं की राशि कुंभ में मौजूद है। ऐसे में मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, जबकि कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है। चलिए अब जान लेते हैं शनि दोष से मुक्ति के उपाय। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती, ढैया या फिर शनि से संबंधित किसी प्रकार का दोष होता है, उनके लिए शनि जयंती पर भगवान शनि की पूजा करना और कुछ उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनि जयंती पर और हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाना जरूर चाहिए। मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। काले तल, कंबल, काली उड़द और जूते चप्पल का दान करना भी शुभ होता है। इसके अलावा शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप पर शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा बनी रहती है। शनि जयंती के दिन छाया दान या शनिदेव पर तेल चढ़ाना अति लाभकारी माना गया है। इस दिन कांसे या लोहे के कटोरे में सरसों का तेल लें और उसे अपने चेहरे पर जरूर लगाएं। जिन जातकों पर शनि की साढ़े साती या शनि ढैया का प्रभाव है, उन्हें शनि जयंती के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शनि देव को सरसों का तेल, काला तिल व काला उड़द अर्पित करें। शनि जयंती के दिन पैसे, काले कपड़े, तेल, भोजन, तिल और उड़द आदि का दान करने से शनि जनित दोष दूर होते हैं। शनि जयंती से शुरू कर हर शनिवार के दिन शनि देव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा और शनिदेव की आरती भी पढ़नी चाहिए। निश्चित ही शनिदेव आपसे खुश हो जाएंगे और सभी कष्टों को खत्म कर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।